नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपके साथ मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मैं एक क्लाइंट के यहाँ विजिट करने गया था और वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति अपने साथ लगती हुई प्रॉपर्टी जरूर खरीदना चाहता है। जिस व्यक्ति का बजट अच्छा होता है वो ये चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के साथ लगती हुई कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर खरीद लूँ। अगर उससे मौका मिलता है तो वो व्यक्ति वो प्रॉपर्टी खरीद लेता है। ऐसे ही मेरे एक क्लाइंट ने किया, जिनके यहाँ मैं कुछ दिनों पहले विजिट करने गया था। उनका घर ईस्ट फेसिंग यानी पूर्वमुखी था। देखिए, मैं आपको मैप के थ्रू समझाना चाहूँगा। जो उनका घर था, फर्स्ट में पहला घर ये था जो कि ईस्ट फेसिंग था। इन्होंने इस घर में रहते हुए खूब तरक्की की और इन्हें मौका मिला साथ लगता हुआ घर खरीदने का, तो इन्होंने सबसे पहले साउथ में लगता हुआ घर खरीद लिया। जब इन्होंने ये घर खरीदा और अपने घर के साथ मिला लिया, उसके बाद एक मौका और मिला उन्हें अपने साथ लगती हुई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का। वो प्रॉपर्टी खरीदी इन्होंने नॉर्थ की यानी उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा की प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा ही वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है, लेकिन उन लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी शुभ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी बातें आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। जब तक इनकी एक प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी थी, ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे। इन्होंने अपने साथ लगती हुई साउथ की प्रॉपर्टी जो कि दो नंबर ली और इसे ऐड कर लिया। जब इसे ऐड किया तो इन्होंने और ज़्यादा तरक्की की और ज़्यादा ग्रोथ की। क्यों ग्रोथ की, जब मैंने पूछा कि आपने इस घर के अंदर कोई बदलाव किया, वो बोले बंसल जी हमने इस घर के अंदर कोई बदलाव नहीं किया। जब मैंने विजिट की तो देखा कि जो इनका अपना पहले वाला घर है, उस घर के फर्श के लेवल से और छत के लेवल में दोनों लेवल में साउथ का घर ऊंचा था। जब साउथ का घर ऊंचा हो गया और नॉर्थ का घर नीचा हो गया तो हमेशा ही तरक्की होती है, यानी कि साउथ वाला पुराना साउथ वाला घर ये ऊंचा है और नॉर्थ वाला घर नीचा है, तो खूब तरक्की की। फिर इन्होंने कुछ समय बाद नॉर्थ का तीन नंबर घर खरीद लिया। जब ये घर खरीदा तो इसका फर्श का लेवल दो नंबर के फर्श के लेवल के बराबर था, यानी कि ऊंचा था, और यहाँ पर तीन मंजिल बिल्डिंग बनी हुई थी, यानी कि नॉर्थ का भाग फर्श के लेवल में इक्वल था किसके, साउथ के, और छत के लेवल में दोनों घर से एक नंबर से और दो नंबर से ऊंचा था, जिसकी वजह से उनके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो गई। जो पैसा उनके यहाँ आ रहा था वो पैसा आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, क्योंकि नॉर्थ का भाग ऊंचा हो गया, और धीरे धीरे करके समस्याएं इतनी बढ़ने लगी कि अपनी प्रॉपर्टी भी सेल करने लगे। क्यों हुआ, क्योंकि घर का मध्य भाग यानी जो पहला घर है ये दोनों घर से नीचा हो गया, फर्श के लेवल में भी नीचा हो गया और छत के लेवल में भी नीचा हो गया। किया नहीं, जब साथ लगते हुए दोनों घर ऊंचे हो गए तो उसके कारण बीच वाला घर नीचा पड़ गया, जिसकी वजह से उस घर के अंदर समस्या आनी शुरू हो गई। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, आप अपने साथ लगती हुई कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो प्रॉपर्टी हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में खरीदें। यदि आप अपने साथ लगती हुई कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें आपको वास्तु का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी खरीदते समय कुछ समझ नहीं आ रहा तो वास्तु कंसल्टेंट की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आप खरीदें या ना खरीदें। खरीदें तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपको अपने यहाँ पर बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि आपकी वो प्रॉपर्टी आपके लिए बेनिफिशियल रहे। साउथ में प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो हमेशा ध्यान रखें, साउथ की प्रॉपर्टी हमेशा ही
आपकी प्रॉपर्टी से, यानी जो आपकी अपनी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग से फर्श का लेवल और छत का लेवल हमेशा ऊंचा होना चाहिए और उस हिस्से में किसी भी प्रकार की कोई गहराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी दो प्रॉपर्टी को साथ मिलाते हैं तो उनका ब्रह्म स्थान बदल जाता है, और जब ब्रह्म स्थान बदलता है तो सारी चीज़ें आपस में बदलती चली जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ आनी शुरू हो जाती है या बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से समझाया है, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वास्तु का ध्यान जरूर रखें। जब आदमी आगे की ओर बढ़ता है, उसका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा होता है, तो वो कभी भी किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन जब डाउनफॉल आना शुरू हो जाए तो बात काबू भी नहीं आती। तो इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमेशा वास्तु का ध्यान रखकर ही खरीदना चाहिए। मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।